हेलो एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास फोर्थ ईबीएस चैप्टर 10 कबड्डी, जिसके अदर नेम्स भी हैं। जैसे यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है हुतुतु, जिसको हम कबड्डी के नाम से जानते हैं और आप सभी भी कबड्डी के नाम से परिचित हैं और आप सभी कबड्डी खेलते भी होंगे। इसके पहले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने कबड्डी की शुरुआत की थी। ये हमने बताया था कि कबड्डी की शुरुआत थ्री सिस्टर्स थी, ज्वाला, लीला एंड हीरा, उन्होंने की थी। और इनका क्लब अभी भी मुंबई में है। मुंबई से इन्होंने, ज्वाला, लीला एंड हीरा ने कबड्डी की शुरुआत की थी। और अब हम आपको सेकेंड पार्ट में बताएंगे कि कबड्डी कैसे खेला जाता है, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं और कबड्डी का कोर्ट कैसा होता है, कितने बाय कितने का होता है। तो आज सब हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक गेम है और जो आपको रूल्स होते हैं इस गेम में भी कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ तक कि ये गेम एक रफ गेम है, कबड्डी को एक रफ गेम माना गया है, लेकिन फिर भी इस गेम में भी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बिना रूल्स के कोई भी गेम नहीं खेला जाता। तो चलिए हम कबड्डी देखते हैं। तो सबसे पहले कबड्डी की शुरुआत कहाँ से हुई? कबड्डी की शुरुआत सबसे पहले इंडिया में ही हुई, और इंडिया के तमिलनाडु में सबसे पहले कबड्डी की शुरुआत हुई। और इसके बाद फिर कबड्डी काफी प्रचलित हुआ, सभी को काफी अच्छा गेम लगा कबड्डी, और ये सारे देशों में धीरे धीरे फैल गया। तो अलग अलग देशों में इसके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इसको कबड्डी के नाम से जाना जाता है, साउथ इंडिया में चिड्डू गुड्डू के नाम से जाना जाता है, एंड ईस्ट इंडिया में हुतुतु के नाम से जाना जाता है, एंड बांग्लादेश में इसको हादुदु के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश का ये नेशनल गेम भी है कबड्डी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कबड्डी कौन सा गेम है। तो कबड्डी हमारा आउटडोर गेम है। गेम आपने पढ़े होंगे, इंडोर गेम्स होते हैं और आउटडोर गेम्स होते हैं। तो कबड्डी हमारा आउटडोर गेम्स है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए पड़ती है, बहुत सारा प्लेस चाहिए होता है कबड्डी खेलने के लिए। तो इसके लिए जो कोर्ट बनाया जाता है, कबड्डी कोर्ट जो होता है वो होता है फॉर बॉयज़ के लिए होता है 10x13 मीटर, एंड गर्ल्स के लिए होता है 8x12 मीटर। और इसको 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हमारी लेंथ हुई 13 और ये हुई 10, और ये पूरे कोर्ट को आप बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका कबड्डी कोर्ट हो जाएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कबड्डी कोर्ट को। तो ये तो हुआ कबड्डी कोर्ट। अब इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं? तो इसमें 2 टीम्स होती हैं, एक टीम में 6 प्लेयर और दूसरी टीम में भी 6 प्लेयर, तो कुल मिला के 12 प्लेयर्स हुए, जिनमें से केवल 7 प्लेयर्स ही 1 कोर्ट में रहते हैं और 5 प्लेयर्स को बाद में चांस दिया जाता है खेलने का। तो चलिए अब इसको कैसे खेलते हैं। प्लेयर्स के कोर्ट में आने के बाद टॉस जीतने वाली टीम सबसे पहले कोर्ट की साइड या रेड करना चुनती है। मीन्स यहाँ पर टॉस जीता जाता है। टॉस जीतना तो जानते होंगे आप लोग, सिक्का उछाल के हम टॉस जीतते हैं, और जो जीतने वाली टीम होती है उसकी साइड को कोर्ट में जाना होता है और वो रेड करना चुनती है। और फिर जो रेडर होता है, रेडर मीन्स जो कबड्डी बोल के अदर कोर्ट में जाता है, अपोजिट टीम में जाता है, उसको हम रेडर कहते हैं। तो जब टॉस जीत जाते हैं तो फिर गेम की शुरुआत हो जाती है और रेडर कबड्डी बोलकर अदर कोर्ट में जाता है और अपोजिट प्लेयर्स उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जो रेडर होता है वो प्लेयर्स को टच करके वापस आने की कोशिश करता है।
और वो उसको साथ में कबड्डी कबड्डी बोलना भी होता है, और अगर उसकी सांस रुक जाती है तो वो आउट हो जाता है और उसको फिर वापस ही अपने कोर्ट में वापस आना पड़ता है। नॉर्मली इसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करने के लिए दो टीम के बीच एक कंपटीशन कहा जा सकता है। इसमें पॉइंट मिलते हैं ना, ये गेम खेलते हैं तो जो जीतता है उसको पॉइंट्स मिलते जाते हैं, तो इस गेम को एक तरह से कंपटीशन ही माना जाता है। और पॉइंट्स पाने के लिए एक टीम का रेडर, जो रेडर भी हमने बताया ना, जो कबड्डी कबड्डी बोल के अदर टीम में जाता है उसको रेडर कहते हैं, तो एक टीम का रेडर जब अपोजिट टीम को जाकर वहां प्रेजेंट प्लेयर्स को छूने का प्रयास करता है, मिस छूता है, और फिर इस दौरान वो अपोजिट टीम के स्टॉपर को, स्टॉपर जानते हैं ना, जो उनको पकड़ते हैं, जो रेडर को पकड़ते हैं रोकते हैं, उनको स्टॉपर कहते हैं। तो अगर स्टॉपर रेडर को पकड़ लेता है तो स्टॉपर का एक पॉइंट बन जाता है, और अगर जो रेडर उसको टच करके अपनी टीम में वापस आ जाता है तो वो एक पॉइंट जीत जाता है, और जितने प्लेयर्स को टच करके आता है वो सब आउट हो जाते हैं। सपोज उसने सारे प्लेयर्स को एक बार में टच कर दिया और वापस आ गया तो सारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। और फिर उनको जो जीतता है उसको एक पॉइंट मिल जाता है, और अगर रेडर किसी स्टॉपर को छूकर अपने कोर्ट में चला जाता है तो उसकी टीम में एक पॉइंट बन जाता है, और जिस स्टॉपर को उसने छुआ है उसे अपने कोर्ट से बाहर जाना पड़ता है। इस तरह जिसे टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं, जिस टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं उसे विनर मान लिया जाता है। और यह गेम, टाइमिंग भी होता है इस गेम का, फिक्स टाइम होता है 40 मिनट्स, जिसमें 20-20 मिनट्स दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। मीन्स एक टीम को 20 मिनट्स और फिर दूसरी टीम को भी 20 मिनट्स, और वो 20-20 मिनट्स के बीच में जब टीम चेंज होती है तो 5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी उनको दिया जाता है। और इस पूरे मैच की औपचारिकता के लिए जो लोग होते हैं वो होते हैं एक रेफरी, दो एम्पायर, दो लाइन्समैन्स, वन टाइम कीपर एंड वन स्कोर कीपर एंड वन टीवी एम्पायर। तो चलिए अब आप इस गेम को खेलना स्टार्ट करिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ये खेल खेलना जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो इस गेम से खेलना स्टार्ट करेंगे और रूल्स को जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप आउट माने जाएंगे।